हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरे इडली सांभर चटनी मेंदू वड़ा इन सबसे स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने चटनी, मैं नारियल की चटनी कैसे बनाती हूँ तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। चलिए मैं आपसे आप रेसिपी शेयर करती हूँ, मैं क्या क्या डालती हूँ नारियल की चटनी में। तो मैं अपने नारियल की चटनी में सबसे पहले तो नारियल डालूंगी। नारियल, गाना बंद कर दीजिए, नारियल बंद, सॉरी नारियल ही बोल दी। पहले नारियल डालूंगी, फिर उसके बाद मैं ये गार्लिक डालूंगी, लहसुन डालूंगी, उसके बाद इसमें मैं मिर्ची डालूंगी। आप लोगों को जो जो पसंद हो आप डाल, मतलब जो जो पसंद हो, मतलब मैं यही डालती हूँ बेसिकली, नारियल डालूंगी। और अब इसके बाद मैं धनिया डालूंगी, फिर उसके बाद ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता डालूंगी। और मैंने भिगो के रखा था चने की दाल, तो चने की दाल डालूंगी इसमें। बहुत लोग भूंज के डालते हैं इसको, चने की दाल को मैं सोक करके ही डाल रही हूँ। आप खा के तब बताइएगा। अब नमक डालूंगी, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। अब इसको मैं पीस लूँगी। आप सोच रहे होंगे वो साइड में क्या रखा है, वो हमारे सांभर का रखा है। वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी सांभर की रेसिपी, जैसे होटल स्टाइल में बनाते हैं वैसे। चलिए अब इसको बंद करते हैं, उसको पीसते हैं। आपको पानी डालते रहना है, मतलब पानी इतना डालिए जितना आपको थिकनेस चाहिए उतना पानी डालिए, फिर उसके बाद पीसिए। तो ये मेरा चटनी पीस के ये देखिए रेडी हो गया। स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, पूछिए नहीं। तब अब मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, आपको जितना भी ये पतला चाहिए, गाढ़ा चाहिए, जैसा भी चाहिए आप वैसा आप कर सकते हो। ये देखिए, इसमें डाल दूंगी दही। दही को डाल के, अगर आपके पास दही नहीं है तो नींबू डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा चाहिए आप उतना डालिए। इस तरह दही डालना है आपको। दही डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने तड़का के लिए तैयार कर लिया, मैंने पैन में पहले से ही डाल लिया है। इसमें राई है, उड़द की दाल है, कड़ी पत्ता है, हींग है, लाल मिर्च है खड़ी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा, चाहे आप घी से फ्राई करिए चाहे रिफाइंड से, मैं रिफाइंड डालती हूँ। ये मैंने इसमें डाल लिया। अब इसको मैं गैस पर चढ़ाऊँगी। मैं बाद में तेल गर्म करके इसलिए नहीं डालती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उछलता है, फिर हाथ में लगता है, जल जाती हूँ मैं। मैंने गैस ऑन कर दिया। मैं इस तड़के को एकदम गर्म करूँगी। जब ये हो जाएगा, ये चटनी का तड़का है मेरा, ये गर्म इसी के डर की वजह से मैं पहले से सब चीज़ डाल के तब इसको गैस ऑन करके रखती हूँ, जिससे कि मेरे हाथ से छीटे ना। अभी अच्छे से पक जाएगा जल, तब मैं उतार के इसको चटनी में डाल दूँगी अपने। अरे बापरे, देखिए पक 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 पक, देखिए उधर आ गई। इसको मैं डर की वजह से लगा पीछे हट लेती हूँ। अभी ये पक चुका है धीरे धीरे, देखिए धीरे धीरे बंद हो रहा है पटपटाना। जब ये ऐसा पटपट पकड़ना बंद कर दे, उछलना बंद कर दे, तो समझिए ये पक गया है ऑलमोस्ट। ये देखिए, थोड़ा और मैं इसको करूँगी, उसके बाद फिर अपने चटनी में डाल दूँगी। ये मेरा पक चुका है, अब मैं गैस बंद कर दूँगी। अब इसको मैं डालूँगी अपनी चटनी में। दूर हो जाइए डाल के चटनी में। जो लगा है उसको भी डाल देना है अच्छे से। ये देखिए अच्छे से चला लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छा टेस्टी और फ्लेवर आता है इसको डालने पे। अच्छे से पूरा चलाइए, नहीं तो ये ना तेल ऊपर रह जाएगा ना, बेकार लगेगा। ये देखिए, वो जो मैंने उड़द की दाल डाली है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह अच्छे से इसको चला लेना। ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है। अब इससे हम लोग खाएंगे इडली बड़ा। अभी ये चटनी तो कंप्लीट हो चुका है, अब मैं बनाऊंगी सांभर। सांभर की रेसिपी देखने के लिए आप मेरा
नेक्स्ट ब्लॉग देखिए, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। और ये चटनी आप बना के एक बार घर में ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, तुरंत तैयार हो जाती है ईज़िली। ये महाराष्ट्र हमारे बहुत ही ज़्यादा बनती है। आपको अगर पीनट की भी चटनी चाहिए होगी तो आप बोलिएगा कमेंट में, मैं डाल दूँगी। तो अभी इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।